नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भान प्रताप शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल चोरों। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या काम था भैया आपको? हाँ, क्या काम था? डबल रोल वीडियो। हाँ, तो वो मैं अभी बना रहा हूँ, आज मैं उसको बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। फिर आप यूट्यूब पे जाके टेक्निकल चोरों सर्च कर लेना, वहाँ पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हाँ, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, ठीक। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में डबल रोल वीडियो कैसे बना सकते हैं। जैसा कि अपन मूवीज में देखते हैं कि एक ही व्यक्ति के डबल डबल रोल या उससे ज्यादा रोल होते हैं, तो कैसे बनाया जाता है वो आप अपने एंड्रॉइड फोन में बिल्कुल फ्री में कैसे बना सकते हैं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको भी मूवीज के जैसी डबल रोल वीडियोस बनानी है तो आपको इसके लिए ना तो किसी प्रोफेशनल कैमरा की जरूरत है और ना ही किसी प्रोफेशनल स्किल की या सॉफ्टवेयर की। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियोस को शूट कीजिए और इसी से एडिट कीजिए। बट इसके लिए आपको मैं जो स्टेप बता रहा हूँ उनको एक एक अच्छे से समझना होगा और उन्हीं की तरह आपको उन वीडियोज़ को एडिट करना होगा। आप चाहें तो इन वीडियोज़ में अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अलग टाइप से वीडियोज़ बना सकते हैं, बट जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, आप उनको फॉलो कीजिए। तो डबल रोल वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है दो अलग अलग वीडियोज़ की, जो हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से शूट कर सकते हैं। और उन वीडियोज़ में आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप वीडियो शूट करें तो उनके पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो या तो ब्लू कलर का हो या ग्रीन कलर का हो, ताकि जब हम उनका बैकग्राउंड को रिमूव करें तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसके लिए आप चाहें तो पीछे कोई अपने चादर लगा सकते हैं या आप ऐसी कोई दीवार का कलर देख सकते हैं जिसका कलर अपने ग्रीन हो या ब्लू हो। दोस्तों, जब अपन डबल रोल वाली वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो उस समय हमें टाइमिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मान लीजिए एक वीडियो में जो बंदा है वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है दूसरी वीडियो वाले बंदे से, तो सामने वाले बंदे को भी उसके क्वेश्चन के बाद में ही तुरंत आंसर देना होता है। तो इसके लिए आपको टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट रखनी है ताकि दोनों वीडियोज़ में कॉम्बिनेशन बना रहे और देखने वाले को ऐसा लगे कि दोनों अलग अलग लोग हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसा कि अपन मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही आपको वीडियो शूट करनी है। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, कॉम्बिनेशन या टाइमिंग वो सही से ना बैठे, बट अगर आप दो तीन बार शूट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज़ ऐसी नई टेक वीडियोस मिलती रहेगी जिसके थ्रू आप रोज़ कुछ ना कुछ नया जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे आप डबल रोल वाली वीडियोज़ बना सकते हैं। दोनों वीडियो को शूट करने के बाद में आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना होगा और उस ऐप का नाम है काइन मास्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे काइन मास्टर सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, काइन मास्टर प्रो वीडियो एडिटर, इस पर टैप कीजिए। और यहाँ पे इसके ऊपर टैप करने के बाद में आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों, अपनी वीडियो को शूट करने के बाद में जब आप काइन मास्टर को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो रेड कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है इस पर टैप करना है, और इस पर टैप करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें से आपको नीचे वाला जो एम्प्टी प्रोजेक्ट का ऑप्शन है इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने पे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑडियो के, लेयर के, मीडिया ब्राउज़र के, वॉइस वगैरह ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी वीडियो के लिए एक बैकग्राउंड चूज करना है। बैकग्राउंड लगाने के लिए आप कोई वीडियो ले सकते हैं और कोई इमेज ले सकते हैं या कोई सॉलिड कलर ले सकते हैं। जैसा कि अपने जब वीडियो स्टार्ट हुई तो आपने मेरी वो वीडियो देखी थी तो उसमें पीछे आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई दे रही थी, तो वो एक इमेज थी जो मैंने नेट से डाउनलोड की थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं या कोई इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि कैसे बैकग्राउंड लेते हैं। तो बैकग्राउंड लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मीडिया ब्राउजर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के सामने आपके जो गैलरी में जो फाइल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। ये देखिए, यहाँ से आप कोई भी वीडियो वगैरह चूज़ कर सकते हैं या कोई पिक्चर ले सकते हैं। और काइन मास्टर के साथ भी कुछ बैकग्राउंड्स आती हैं जिनका ऑप्शन आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड नाम से, तो इसके ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ और यहाँ से एक बैकग्राउंड काइन मास्टर का ही जो इनबिल्ट है वो चूज़ कर रहा हूँ। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया है और आपको इस पर जो आगे ये येलो कलर की जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको टैप कीजिए, इसको आगे खिसकाइए इस तरह से। इससे होगा क्या कि आप अपनी वीडियो के साइज़ के बराबर का इस बैकग्राउंड को बना सकते हैं। तो ये देखिए आगे बढ़ गया इतनी दूर तक, ठीक है। फिर आप ऊपर जो कॉर्नर में राइट का ऑप्शन दिखा रहा है इस पर टैप कीजिए।
इस पर टैप करने के बाद में अब आपको करना क्या है कि आपने जो वीडियो शूट की थी उसको यहाँ पे लाना है। तो अब आपको लेयर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस पर टैप करना है। जब आप लेयर पर टैप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो इनका सबका अलग अलग काम है। तो आप सबसे पहले जो ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आप चूज कीजिए। जब आप मीडिया को चूज करेंगे तो फिर से आप गैलरी में पहुंच जाएंगे। अब आपको अपनी वो दोनों वीडियोज़ हैं वो देखनी है कि कहाँ पे हैं। तो कैमरा से शूट की तो वो कैमरा में मिलेगी, तो यहाँ पे आपको आना है और सबसे पहले वाली जो वीडियो थी उसको यहाँ से सिलेक्ट करके लेना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आपकी जो वीडियो की साइज़ है वो हमारी जो मैक्सिमम यूजेस की साइज़ है उससे बड़ी है, तो हम इसे 720p में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप यूज़ 720 कॉपी पे क्लिक कीजिए तो आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद में वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो अब हम लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो का बैकग्राउंड हटाना है। बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको यहाँ पे जो नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऊपर तो आपका बैकग्राउंड है वो दिखाई दे रहा है, नीचे आपको वीडियो दिखाई दे रही है, तो इस वीडियो पर टैप करना है। जैसे आप वीडियो पर टैप करेंगे तो आपको इस वीडियो के आसपास एक बॉर्डर दिखाई देगा येलो कलर का, तो यानी कि अब ये वीडियो सिलेक्ट हो चुकी है। और जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में देखिए ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे, तो इन ऑप्शंस में से आपको क्रोमा की को चूज़ करना है। क्रोमा की में जाने के बाद में आपको जो ऊपर इनेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने पर आपकी जो वीडियो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। अगर ना हो तो आपको नीचे जो ये शेडो मास्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप टैप कीजिए, जिससे कि आपकी वीडियो ब्लैक एंड वाइट हो जाए। फिर आपको करना क्या है कि अपना जो बॉडी है इसको तो वाइट करना है पूरा, और जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको ब्लैक करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक को 28% पे सेट किया हुआ है, एक को 50% पे सेट किया हुआ है। तो आपको यहाँ से इसको अपनी बॉडी को पूरी तरह से वाइट करना है। तो इसको जो ऊपर वाला ऑप्शन है मैं इसको लेफ्ट साइड में खिसका रहा हूँ, ठीक है, देखिए पूरा वाइट हो गया। और जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको राइट साइड में खिसका रहा हूँ, जिससे कि बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए कि आपकी बॉडी अच्छे से ब्लैक हो जाए और बैकग्राउंड पूरा बॉडी है वो आपकी वाइट हो जाए और बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, ठीक है। फिर आप ऊपर राइट पे क्लिक कीजिए, तो इस तरह से आपके जो बैकग्राउंड है वो निकल जाएगा वीडियो का, और आप अपनी वीडियो को आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। अब अपन को दूसरी वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है, इसके लिए आपको फिर से वही ऑप्शन करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और आपकी जो फाइल थी दूसरी वाली उसको सिलेक्ट करना है। ठीक वैसे आपको ऑप्शंस पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और अपनी वीडियो को यहाँ पे लाइए, और ये देखिए आ गई। तो अभी हमें फिर से इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। क्रोमा की में जाइए, इनेबल कीजिए और इसको वाइट कीजिए पूरा, ठीक है, बैकग्राउंड को ब्लैक कीजिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अच्छे से ये सेट हो, ठीक है। फिर आप इसको राइट पे टैप कीजिए, तो अब देखिए दोनों ही वीडियो का बैकग्राउंड निकल चुका है। बट यहाँ पे अब क्या है, कमी क्या है कि अपने जो वीडियोज़ की साइज़ दोनों की अलग अलग है, तो इनको दोनों को बराबर करने के लिए जैसे अपन अपने एंड्रॉयड मोबाइल में वीडियो को यानी अपने पिक्चर्स को जूम करने के लिए ऐसे दोनों उंगलियों से करते हैं ना जूम करने के लिए, इस तरह से आपको इनको छोटा बड़ा करना है। तो आप इन दोनों को साइज़ सेट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों को बिल्कुल एक जैसा समान रूप से इनकी साइड वो है सेट कर लीजिए। अब आपको करना क्या है कि साइज़ तो सेट हो गई बट ये दोनों वीडियोस आगे पीछे हैं। अब आपको करना क्या है कि जब ये जो पहली वीडियो वाला बंदा है ये कोई कुछ क्वेश्चन करे तो उसी समय जो ये दूसरी वाला वीडियो वाला बंदा वो उसका जवाब दे, इसके लिए आप नीचे जो ये वीडियो है इनको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इनको बिल्कुल इनका एक अच्छे से कॉम्बिनेशन बिठाइए, जब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो आप इनको यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से प्ले करके देख लीजिए, जब दोनों बिल्कुल सेट हो जाए अच्छे से, आपको लगे कि हाँ कि अच्छा लग रहा है दोनों में अपन ने वो कॉम्बिनेशन बिठा दिया है, तो आप जो ऊपर ये ऑप्शन दिखा दे रहा है आपको देखिए ये वाला, इस पर टैप कीजिए, फिर आप बाहर आ जाएंगे। फिर आपको अपना वो प्रोजेक्ट चूज करना है, ये देखिए पहला वाला ऑप्शन है, जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है यही वो प्रोजेक्ट है जो आपने बनाया था। यहाँ से आप इसको प्ले कर सकते देख सकते हैं एक बार फिर से, तो अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो आप यहाँ से प्ले करके देख लीजिए, अगर लगता है कि कमी रह गई है तो वापस यहाँ पे रेड सर्कल पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं, और लगता है कि बिल्कुल सही बन गई है तो आप यहाँ पे जो शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है देखिए इस पर टैप कीजिए और सेव वीडियो टू गैलरी पर चूज़ कीजिए। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन पूछेगा कि लो क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं या हाई डेफिनेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो हाई डेफिनेशन चूज़ कीजिए और वीडियो को
आप जो सेव होना है वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाइए, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको आगे भी ऐसी टेक वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। और अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है या कुछ और आपको जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।